हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट इंडियन की सीरीज़ में आज हम देखेंगे इलेक्शंस ऑफ 1937 पार्ट थ्री फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने जाना था कि कैसे हुए थे इलेक्शंस ऑफ 1937 और क्या रीज़न थे जिसके कारण कांग्रेस ने ऑफिस एक्सेप्टेंस में टाइम लगाया अगर ये लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उनको एक बार देख लें आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 28 महीने के अपने कार्यकाल में क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स किए थे तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एट वर्क कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड थे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंसेस को पावर्स तो दी गई थी लेकिन कंप्लीट पावर्स अभी भी नहीं थी इसी वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने इन 28 महीने के कार्यकाल में एडमिनिस्ट्रेशन का फंडामेंटल इम्परिलिश नेचर को चेंज नहीं कर पाए लेकिन फिर भी time, इन दी कन्फाइन्स ऑफ पावर्स एंड टाइम इन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने अटेम्प्ट किए कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें रिफॉर्म्स और इम्प्रूव कर सकें लोगों की लिविंग कंडीशंस और साथ ही जनता को दिखा पाएं कि फ्यूचर स्वराज कैसा होगा इस दिशा में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कदम उठाया गया था सिंपल लिविंग कांग्रेस मिनिस्टर्स ने अपनी सैलरीज को हाफ से भी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया साथ ही उन्होंने कोशिश की रही कि लोगों की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके थ्रू वेरियस लेजिस्लेशंस जैसा कि उनके मैनिफेस्टो में कहा गया था सिविल लिबर्टीज के एरिया में भी कांग्रेस ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई सभी इमरजेंसी पावर्स जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने एक्वायर की थी थ्रू पब्लिक सर्विस एक्ट्स उन सभी को रिपील कर दिया गया और कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हिंदुस्तान सेवा दल यूथ लीग जिनके ऊपर बैंस लगाए गए थे वो भी रिमूव कर दिए गए यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर भी इस समय बैन लगा था और ये बैन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिमूव नहीं कर पाई ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बैन कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया था लेकिन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अपने प्रोविंस में कम्युनिस्ट को ऑपरेट करने का फ्रीडम दिया मीडिया पर लगाई गई सभी रेस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर लिया गया इनफैक्ट न्यूज़पेपर को ब्लैकलिस्ट किए जाने की जो प्रैक्टिस चली आ रही थी उसको भी अबेंडन कर दिया गया जो आर्म्स कॉन्फिस्केट किए गए थे वो रिटर्न कर दिए गए जो लाइसेंसेस फोरफिट किए गए थे वो भी रीइंस्टेट किए गए वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस में किया वो था रिलीजिंग द थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड डिटेनिज इसी के साथ इंटरमेंट और डेपोटेशन ऑर्डर्स को भी कैंसिल किया गया और इसकी बदौलत काकोरी और कई कॉन्स्परीसी केसेस में फंसे हुए लोग रिहा हो पाए जहाँ तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने का मैटर है तो यहाँ पर कुछ परेशानियाँ आई थी एज़ फार एज़ उत्तर प्रदेश एंड बिहार प्रोविंस ऑफ कंसर्न ऐसा इसलिए था क्योंकि यूपी और बिहार के गवर्नर्स ने कांग्रेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के प्रपोज़ल को नकार दिया था और इसी डेडलॉक के कारण गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार ने रिज़ाइन कर दिया था ये टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया है कांग्रेस के हरिपुर सेशन वाले लेक्चर में इसलिए हम इसको यहाँ पर ब्रीफ में ही समझेंगे आइए अब जानते हैं क्या रही कांग्रेस की स्ट्रेटजी एज फार एज एग्रीगेरियन लेजिस्लेशन इज कंसर्न प्रोविंशियल कांग्रेस गवर्नमेंट्स जमींदारी सिस्टम को ऑल टुगेदर एबॉलिश नहीं कर पाई और ना ही कांग्रेस कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर ही कर सकती थी इसके दो मेन कारण थे पहला रीजन तो ये था कि प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज के पास एक्ट ऑफ 1935 ने इतनी पावर्स ही नहीं दी थी और दूसरा रीज़न था कि ये कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज को लैक ऑफ़ फाइनेंशियल रिसोर्स फेस करना पड़ रहा था ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट लायन शेयर ले लेती ले थी ऑफ द कंट्रीज़ रेवेन्यू इसका एक और बड़ा रीज़न था ऑलमोस्ट सारे कांग्रेस रन स्टेट्स जैसे कि यूपी बिहार बॉम्बे मेड्रॉस और असम में बाई कैमरल लेजिस्लेशर था और अपर हाउस में कांग्रेस की पकड़ काफ़ी कम थी ऐसा इसलिए था क्योंकि अपर हाउस के लिए जो इलेक्शंस होते थे उसमें वोटिंग राइट सिर्फ अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को ही दिए गए थे अब क्योंकि अपर हाउस में कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं थी इसलिए कांग्रेस को कोई भी बिल अगर पास कराना होता था तो वो अपर हाउस को भेजना जरूरी था और क्योंकि अपर हाउस में मेनली जमींदार और कैपिटलिस्ट लोग थे तो ऐसे में एग्रीगेरियन लेजिस्लेशन का पास किया जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था लेकिन इन सभी कंस्ट्रेंट्स के बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने पीजेंट के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी काम किए इन मिनिस्ट्रीज ने जो एग्रीगेरियन लेजिस्लेशन लेकर आए वो प्रोविंसेस टू प्रोविंसेस डिफरेंट थी डिपेंडिंग अपॉन द कांग्रेस मास बेस एंड एग्रीगेरियन रिलेशन इन दैट प्रोविंस फॉर एग्ज़ाम्पल अक्टूबर नाइनटीन थर्टी नाइन में यूपी में टेनेंसी एक्ट लाया गया और बिहार में न्यू टेनेंसी लेजिस्लेशन लाई गई थी नाइनटीन थर्टी सेवन एंड नाइनटीन थर्टी एट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने लेबर क्लास के लिए भी काफ़ी काम किए और बेसिक अप्रोच यही रही कि इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट किया जाए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एडवोकेट की कंपलसरी एडमिनिस्ट्रेशन प्रायर टू स्ट्राइक इसके अलावा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने कई सोशल रिफ़ॉर्म्स भी किए जैसे कि मेजर्स लिए गए फॉर वेलफेयर ऑफ हरीजन्स जैसे कि उनको टेंपल एंट्री करने देना इंक्रीजिंग देयर नंबर्स इन कॉमन सर्विसेज एंड पुलिस प्राइमरी टेक्निकल और हायर एजुकेशन को प्रमोट करना प्रिजन रिफॉर्म्स लेकर आना और नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप करना अंडर कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस इन नाइनटीन थर्टी एट तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर रिगार्डिंग वर्ग डन बाय द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1937। अब आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी पा सकते हैं ऑन आर टेलीग्राम चैनल अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू